लॉकिंग को हम अपने चांद की वजह से जानते हैं। हमने हमेशा चांद का एक हिस्सा देखा है, दूसरा हिस्सा अंतरिक्ष की तरफ रहता है। टाइटली लॉक्ड प्लैनेट को कई नतीजे भुगतने पड़ते हैं और सभी अच्छे नहीं होते। इससे बहुत ही एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस बन जाती हैं। बहुत ही गर्म दिन की तरफ का हिस्सा और बहुत ही ठंडा रात की तरफ का हिस्सा। 2020 में हमने इस ग्रह के दिन और रात की तरफ के हिस्से के बीच के वातावरण को ध्यान से देखा। इस सांझ के हिस्से में खूब बारिश होती है, पर बारिश में बरसता है पिघला लोहा। यहाँ पर लोहे की बारिश होती है। साइफाई नॉवल में भी ये कितना अजीब लगेगा, चलो लोहे की बारिश करवा दे, पर ये सच्चाई है। इतनी गर्मी है कि लोहा भाप बनता है और बारिश होती है। जब मैं बड़ा हो रहा था तो टीवी पर साइफाई देखता या नॉवेल्स पढ़ता तो कोई प्लैनेट होता जहाँ अजीब कंडीशन होती। यहाँ आकाश से लोहा बरसता है और मुझे लगता कैसी बेवकूफी है। और अब मुझे पता लग रहा है कि प्रकृति इतनी अजीब है कि हम सोच भी नहीं सकते। लोहा भाप कैसे बनता है? ज्यादातर मटेरियल्स दूसरी स्टेट्स में मौजूद रह सकते हैं, जैसे कि पानी है। पानी जब बर्फ होता है तो सॉलिड होता है, और जब उसे गर्म करते हैं तो पानी बन जाता है जो उसका लिक्विड फॉर्म है, और जब आप उसे और गर्म करते हैं तो ये भाप बन जाता है, और ऐसा हर केमिकल एलिमेंट के साथ होता है। तो लोहे को भी अगर आप बहुत गर्म करेंगे तो वो गैस बन जाएगा। तो देखा जाए तो लोहे की भी भाप बन सकती है, बादल बन सकते हैं, और उसकी भी बारिश हो सकती है। ये दर्दनाक मौसमी हालात सीधा नतीजा है वास्प 76B की उसके सितारे से नजदीकी का। वास्प 76B अपने तारे के इतना पास है कि उसका तारा उसके एटमॉस्फेयर को गर्म कर रहा है, तो अपर एटमॉस्फेयर गर्म होकर ऊपर उठता है। दिन की तरफ के हिस्से में तापमान 2500 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। वहीं इस ग्रह के रात की तरफ के हिस्से का तापमान इसके मुकाबले काफी ठंडा 1500 डिग्री सेल्सियस है। तापमान में इस भारी अंतर की वजह से भीषण हवाई धाराएं बहती हैं। ग्रहों के इस ब्रांड न्यू क्लास में एक बहुत ही मजेदार बात देखने को मिल रही है, वो है इसका मौसम जो पहले कभी नहीं देखा गया। इन गर्म जुपिटर्स में हवा की इक्वेटोरियल जेट्स चलती है जो सुपरसोनिक है, हजारों किलोमीटर पर आवर, और ये हवाएं बारिश को रात वाली साइड धकेलती हैं। गर्म साइड की हवा फैलती है क्योंकि वो गर्म होती है और बहकर दूसरी तरफ पहुंचती है, तो ये प्रचंड आंधियां गर्म हवा को ठंडी साइड बहाती हैं। तो गर्म साइड के वातावरण में भाप बना हुआ लोहा गैस स्टेट में होता है, वो बहकर सीधा ठंडी साइड में पहुंच जाता है। धरती पर अब तक की सबसे तेज हवाएं 402 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर दर्ज की गई हैं। वास्प 76B पर हवाओं की रफ्तार 17,702 किलोमीटर तक पहुंचती है, जो इतनी शक्तिशाली हैं कि अरबों किलो लोहे की भाप को ग्रह के दूसरी ओर बहा ले जाती हैं, जहां वो नाटकीय परिवर्तन से गुजरती हैं। उधर थोड़ा ठंडा होता है तो गैस नहीं रह पाती, तो वो कंडेंस होकर लिक्विड बनता है और फिर बारिश हो जाती है। बादल बनकर ऊपर उठते हैं और फिर लोहा बरस जाता है, पर ये लोहा है, लोहे की भाप है, लोहे की बारिश है। वो देखना शानदार होगा उस थोड़ी सी देर में आपके खुद के भाप बन जाने से पहले। आपको लग रहा होगा कि लोहे की बारिश वास्प 76B की सबसे अजीब खासियत है, पर खगोल विज्ञानी इस गैस के विशाल पिंड के स्थान से और भी ज्यादा हैरान है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम को देखें तो यहाँ पर गैस जायंट्स हैं जैसे जुपिटर और पथरीले ग्रह हैं जैसे धरती। हमारे सौर मंडल में पथरीले ग्रह सूरज के करीब हैं और गैस पिंड उससे दूर हैं। पर एक्सोसिस्टम्स में अलग अलग तरह के ग्रहों की स्थिति गड़बड़ाई हुई है। हमें वहाँ जुपिटर जितने बड़े प्लैनेट उनके स्टार्स के बहुत ज्यादा नजदीक मिलते हैं, हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल उलट। और रॉकी प्लैनेट्स भी स्टार्स के बहुत नजदीक हैं, बहुत ही टाइट और अजीब से कॉन्फ़िगरेशन में। इतने करीब से अपने सितारों का चक्कर लगाने वाले ये ग्रह भारी रेडिएशन फेंककर अपना अस्तित्व बचाते हैं, जैसे अपनी सहन शक्ति की परीक्षा दे रहे हो। पर सभी संसारों पर इतनी समस्या नहीं है, कुछ तो इतने हल्के और नाजुक हैं कि लगता है भी कि नहीं। क्या ये अजीब सी फूली हुई गेंदें ग्रहों की श्रेणी में आती भी हैं?